नमस्कार। इसके पहले वाली दूधनी की वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने और देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जब चाहे देख सकते हैं। और कुछ लोगों ने मुझे ये पूछा है कि वापी में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ घूमने जाया जा सकता है। मैं ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ तो कई बार मुझे भी ये लोग ज़रूर पूछते हैं कि वापी में ऐसी कौन सी जगह है, तो मैं उन्हें दमन सिलवास के और आसपास के टूरिस्ट अट्रैक्शन से उसके बारे में जब बताना शुरू करता हूँ तो वो मुझे ये कहते हैं कि आप वापी में कोई जगह बताइए। फिर मैं उनसे ये कहता हूँ और आपसे भी ये कहता हूँ कि 1967 के पहले यहाँ कुछ नहीं था, और 1967 में यहाँ पे एक बहुत बड़ा इलाका GIDC द्वारा नोटिफाइड हुआ, तो ये उस वक्त में कहा जाता था कि एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलाका है और जिसकी सीमा जहाँ समाप्त होती है यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 48 से, और वहाँ से दमन की सीमा के बीच में 4 किलोमीटर से ज़्यादा अंतर नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत ही छोटा सा टाउन ज़रूर है। पर फिर भी मैं आपको इस वीडियो में दो ऐसे अट्रैक्शंस के बारे में बताऊंगा जहां आप कभी भी जा सकते हैं, और जो बाकी के अट्रैक्शंस हैं उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, तो आप इन्हें कभी भी देख सकते हैं। और यदि आपके मन में कोई ऐसा लोकेशन है जो वापी में हो, वापी के आसपास में हो, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। पहला लोकेशन एक पर्वत के टॉप पे है, यानी आप यहाँ पे चढ़ के ऊपर जा सकते हो और टाइम स्पेंड कर सकते हो 1 या 2 घंटा, या यहाँ पे आपको कुछ इवेंट प्लान करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। और दूसरा लोकेशन एक झील है जिसके किनारे पे एक बहुत बड़ा पार्क बसा हुआ है। ये मॉर्निंग के जॉगिंग के लिए, एक्सरसाइज या फिटनेस रूटीन के लिए बहुत ही बेहतर है, और यहाँ पे लोग आके अपने फ़ोटो सेशंस भी प्लान करते हैं, तो यदि आप ऐसा कुछ करना चाहते हो तो ये लोकेशन बहुत ही बढ़िया है। ये दोनों अट्रैक्शंस दमन रोड से कनेक्टेड हैं, तो यदि आप वापी GIDC साइड यानी कि वापी के सिलवास या ईस्ट साइड पे हो तो आपको ब्रिज क्रॉस करके वेस्ट में आना है, और यहाँ से आप दमन रोड पे सीधा चलते हुए या तो मुक्तानंद मार्ग से या फिर डाबेल चेक पोस्ट के पास में एक राइट है, वहाँ से भी आप आ सकते हो। इसके ऊपर से जो व्यूज़ मिलेंगे दोस्तों वो बहुत ही अच्छे हैं, सुंदर है। आप खुद इसे एक्सपीरियंस करना चाहो तो बेस्ट टाइम है या तो सनराइज़ के टाइम पे या तो दोपहर के बाद 4 बजे के बाद में आप यहाँ पे आकर सनसेट भी देख सकते हो। इस जगह की खास बात ये है कि यहाँ पे आपको सनराइज़ सुबह में और शाम को सनसेट एक ही जगह से देखने को मिलता है। और मैं आपसे एक बात बताना चाहता था कि अगर आपको सीढ़ियाँ चढ़ के आना हो इस जगह पे तो आप डाबेल वाले रास्ते से आए, और इस लोकेशन पे आने के लिए आपको जो गूगल लोकेशन है मैंने कमेंट बॉक्स में शेयर कर दिया है, क्योंकि एक रास्ता है जो थोड़ा सा पथरीला है और जो चढ़ नहीं सकते ज़्यादा उनके लिए रेकमेंडेड नहीं है, और वो रास्ता गुजरात से पड़ता है यानी कि चला में मुक्तानंद मार्ग से आप आ सकते हो इस मेरिल कंपनी के रास्ते से होते हुए। नवरात्रि के दिनों में यहाँ पे माता जी के श्रद्धालु और परम भक्तों की भीड़ लगी हुई रहती है, क्योंकि ऊपर इसके जो मंदिर बना हुआ है वो हिंगलाज माता का मंदिर है। हिंगलाज माता जी का मुख्य मंदिर इस वक्त पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, और ये 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। और उसी मंदिर के ऊपर आधारित एक और मंदिर भारत में मध्य प्रदेश में भी है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, और ये मंदिर जो आप देख रहे हो ये चला और डाबेल की सीमा पर बसा हुआ है, पर्वत के ऊपर यानी कि गुजरात और दमन की सरहद पर है। यहाँ पर आप माता जी के आशीर्वाद और दर्शन हेतु कभी भी आ सकते हो। जब मैं यहाँ पे पहली बार आया और गुरु जी से मिला तो उन्होंने मुझे एक बात विशेष रूप से ये बताई कि यहाँ की जो माता जी की मूर्ति है वो यहाँ पर कितने वर्षों से है, इसके बारे में किसी के पास में कोई भी जानकारी नहीं है। माता जी की मूर्ति यहाँ पे कितने वर्षों से विराजमान है या उसे किसने स्थापित किया है ये भी किसी को आज तक नहीं पता है, पर सबका यहाँ पे ये अनुमान है कि इसे 300 वर्ष से भी अधिक वर्ष हो चुके हैं। और इस मंदिर का जीर्णोद्वार अभी 3 साल पहले ही किया गया था, और जब ये सीढ़ियाँ भी यहाँ पर बनाई गई थी,
इन सीढ़ियों के बनने के बाद में यहाँ पर भक्तों और दर्शनार्थियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको हमारा ये लोकेशन बहुत ही पसंद आया होगा। तो आपको मैं अब बताता हूँ दूसरे लोकेशन के बारे में, जो भी दमन रोड से बहुत ही नज़दीक है। और यहाँ पर आप दमन रोड या दमन से होते हुए सोमनाथ रोड से या कचीगाम वाले या तो कचीगाम क्रिकेट ग्राउंड वाले रोड से भी यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पर आप कभी भी आ सकते हो, वैसे वक्त की कोई पाबंदी नहीं है। और यहाँ पर आके आप चिल कर सकते हो और यहाँ पे जो हट्स बनाए हुए इसमें बैठ के कितने भी घंटे गपशप कर सकते हो, या कोई आपको इवेंट ऑर्गेनाइज करना हो तो यहाँ पे एक पार्टी प्लॉट भी है और उसके साथ साथ में एक कॉमन प्लॉट है जहाँ पर भी आप बैठ के कुछ कर सकते हो। उदाहरण के तौर पे आपको कोई मीटिंग प्लान करनी हो, यहाँ पे कोई इवेंट प्लान करना हो तो ये कॉमन प्लॉट में आप बिल्कुल कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक एमपी थिएटर है जहाँ पर भी आपको कुछ शो करना हो या कोई इवेंट करना हो तो ये आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल है। वर्षों से यहाँ पे ये तालाब है और ये प्रतिवर्ष वर्षा के पानी से ही तैयार होता है और साल भर इसमें पानी रहता है, तो एक नैसर्गिक जल स्रोत है। और ये बात आप समझ सकते हैं कि इसका पानी बहुत ज़्यादा गहरा हो सकता है, तो इसके अंदर जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है। पर किसी को यदि ऐसा हो कि तैरना चाहते हैं, वाटर एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, तो इसके नज़दीक में ही स्पोर्ट्स क्लब ऑफ वापी द्वारा संचालित स्विमिंग पूल ज़रूर है, वहाँ जाके आप पता कर सकते हैं और वहाँ की मेम्बरशिप ले सकते हैं। एक और विशेष बात मैं आपको इस तालाब के बारे में बताना चाहूँगा कि जब इस पार्क का निर्माण किया गया तो इस तालाब की, उसके आसपास के सॉइल की, यहाँ की वनस्पतियों की और इस जल के अंदर रहने वाले जलचर जीव, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। तो इसका, इसके पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने नहीं दिया गया है और इसकी एनवायरमेंटल बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने का विशेष प्रयास है और आई होप कि आप इस बात को अप्रिशिएट जरूर करेंगे। इस पार्क में आने वाले जो भी हेल्थ कॉन्शियस या फिटनेस फ्रीक्स है उनकी जानकारी के लिए एक और बात कि इसकी जॉगिंग ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक, इसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर है। तो यदि आप यहाँ के 2 चक्कर लगा लेते हो या 10 चक्कर लगा लेते हो तो आप कितना लेंथ ट्रैवल किया है उसका अंदाज़ा लगा सकते हो। इस सुंदर सी जगह का नाम है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जल उद्यान। और इस जगह और इसके पहले वाली जो जगह थी हिल टॉप के ऊपर, इन दोनों जगहों में आपको कौन सी जगह ज़्यादा पसंद आई ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।